Hello everyone, welcome back to another new video. This is by Adarsh Kumar. Today we will be talking about the College of Centurion University of Technology and Management, Bhubaneswar. So without wasting your time, let's get started. आज हम बात करेंगे इस कॉलेज के एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है जो आपको फॉलो करना होता है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए. देन हम बात करेंगे कॉलेज की ट्यूशन फीस कितनी, हॉस्टल फीस कितनी, स्कॉलरशिप का सिनेरियो कैसा है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे होते हैं उनको चाहिए होती है स्कॉलरशिप. अगर स्कॉलरशिप अच्छी मिल रही होती है तभी वो किसी प्राइवेट कॉलेज को अफोर्ड कर पाते. इसके बाद हम बात करेंगे प्लेसमेंट का सिनेरियो है वो कैसा है, क्योंकि जो कॉलेज का प्लेसमेंट का सिनेरियो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप सबके लिए जो किसी प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हो. तो आप सारी चीजों के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो वीडियो में बने रहो, मैं सारी चीजें कवर करूंगा वन बाय वन, तो चिंता विंता करने की बात नहीं है. और अगर नए आए हो तो जो रेड कलर का बटन दिख रहा हो सब्सक्राइब वाला, उसको अगर लाल से अगर ग्रे कर दोगे तो कुछ नहीं जाता है आप लोगों का, तो कर दिया करो यार. और वीडियो के एंड में अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो उसको लाइक वाइक कर देना, इसलिए हम थोड़ा सा अच्छे से अंदर मोटिवेट हो जाते हैं. अगर वीडियो में लाइक आते हैं और वीडियो में व्यू जाते हैं तो शेयर यार कर डाला करो लोगों के साथ. तो हम चलते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं. चलो चलते हैं. तो हम आ गए कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आपको दिख रही है मेरे सामने. अगर बात करूं कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था ये 2005 में. सीधा चलते हैं इनके एडमिशन की तरफ और एडमिशन के बारे में वहां पे चल के सारी बातें कर रहे होंगे हम इस वीडियो के अंदर. तो आप वीडियो के अंदर बने रहो. यहां पे देखो आप एडमिशन की बात अगर हम करें यहां पे तो आपको इस कॉलेज का ही एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है जिसका नाम होता है यहां पे सेंचुरियन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन. तो आपको ये एग्जाम देना पड़ता है अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो. अगर आपको यहाँ पे बीटेक से बीटेक में लेटर एंट्री एडमिशन लेना है तो भी आपको यहाँ पे एग्जाम ये देना पड़ता है. सबको ये एग्जाम देना ही पड़ता है अगर आप यहाँ पे आपको एडमिशन लेना है. ओके, हम बात करें यहाँ पे अगर एडमिशन के क्राइटेरिया की तो वो कुछ इस तरीके का है. यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो मैकेनिकल ट्रिपल ई ईसी सिविल से एसी, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो 10+2 आपको करना ही होगा जो आपका होना ही चाहिए. उसके बाद अगर आप यहाँ पे करके आते हो तो 50% आपको एग्रीगेट होना चाहिए. 5% रिलैक्सेशन मिल जाता है उनको जो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. ओके, उसके बाद बीटेक यहाँ पे एग्रीकल्चर और डेयरी और टेक और यहाँ पे सारी चीजें दिखा रखी हैं आपकी, यहाँ पे आपका सेम होता है कुछ इस तरीके का. आप देख सकते हो आपका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया सबके लिए यहाँ पे बराबर मेंशन करके रखा है, तो उसको देख के आप रिफर कर सकते हो. अगर हम बात करें यहाँ पे लेटर एंट्री की तो यहाँ पे लेटर एंट्री से भी आपको एडमिशन देखने को मिल जाता है. लेटर एंट्री के अंदर अगर बात करें यहाँ पे कोर्सेज वगैरह की तो आपको बीटेक में यहाँ पे बीटेक देखने को मिलता है, डिप्लोमा देखने को मिलता है. समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको किस तरीके की चीजें देखने को मिल रही होती हैं. अगर हम यहाँ बात करें यहाँ पे प्रोग्राम्स की तो आपको यहाँ पे बीटेक के अंदर मैकेनिकल ट्रिपल ई ईसी सिविल सीएसई एरोस्पेस माइनिंग देखने को मिल जाती है. और बीटेक के अंदर ही आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर डेयरी टेक और यहाँ पे आपको सारी चीजें देखने को मिल जाती है बीएससी के अंदर और डिप्लोमा के अंदर. ये सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, आप देख के इसको रिफर कर सकते हो. ओके, बात कर लेते हैं यहाँ पे कोर्स फी की. जो कोर्स फीस है वो कैसी होती है यहाँ पे इस कॉलेज की, सिविल इंजीनियरिंग में 1,35,000 आपके यहाँ पे करने पड़ जाते हैं जो यहाँ की पर ईयर की ट्यूशन फीस है. ओके, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि कंप्यूटर साइंस में फीस थोड़ी सी बढ़ा दी है 5,000 रुपीज, आपको यहाँ पे 1,40,000 रुपीज पे करने होते हैं. ये आपका भुवनेश्वर का कैंपस है, कुछ इस तरीके की फीस आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती है. केवल सीएससी के अंदर ही मुझे फीस ज्यादा दिखी, बाकी सबकी फीस 1,35,000 ही है SMS. तो कैंपस में आपको केवल भुवनेश्वर के अंदर ही आपको यहाँ पे सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी. आपको यहाँ पे देख सकते हो कि कैंपस टू कैंपस जो फीस है यहाँ पे वो कम होती जा रही है. ओके, यहाँ पे जो कैंपस है इस कॉलेज का भुवनेश्वर है और यहाँ पे सारे कैंपस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं. अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की फीस यहाँ पे देखने को मिल जाती है, आप देख के इसको प्रेफर कर सकते हो. ओके, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे हॉस्टल फीस की तो जो हॉस्टल फीस है वो भी अच्छी खासी देखने को आपको यहाँ पे मिल जाती है. अगर आप भुवनेश्वर कैंपस में जा रहे हो एसी रूम चाहते हो तो आपको यहाँ पे अटैच्ड वॉशरूम देखने को मिल जाता है 3 सीटर का. जो फीस है वो 1,25,000 रुपीज आपको यहाँ पे करने पड़ जाते हैं, जो थोड़ी सी ज्यादा फीस है इसमें जो मेस है वो इंक्लूडेड होता है. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बात करें यहाँ पे डिप्लोमा की तो डिप्लोमा को इतने रुपीज यहाँ पे कम देने होते हैं. ओके, अगर यहाँ पे बात करें यहाँ पे नॉन एसी रूम की, अटैच वॉशरूम 4 सीटर रूम जो है वो 95,000 रुपीज का है. नॉन एसी अगर यहाँ पे 5 सीटर जो रूम है वो यहाँ पे कुछ 80,000 रुपीज आपको यहाँ पे करने पड़ते हैं, बाकी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो. अब चलते हैं स्कॉलरशिप के बारे में बात कर लेते हैं कि कॉलेज में स्कॉलरशिप जो है वो कैसी मिलती है, क्या मिलती है. मेरिट स्कॉलरशिप जो होती है यार वो स्टेट वाइज मिल रही होती है. स्टेट वाइज 10% और 5% उड़ीसा वालों को 60 अबव में मिल रही होती है, 50-59%. और यहाँ पे अगर आप मतलब एपी से हो लाइक आंध्र प्रदेश से हो तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की स्कॉलरशिप मिल रही होती है. अगर आप अदर से हो तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की स्कॉलरशिप मिल रही होती है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरिट स्कॉलरशिप किस तरीके की है, इस तरीके की आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिल जाती है. सबका यहाँ पे दिखा रखा है अलग अलग, तो आप इसको देख के प्रेफर कर सकते हो. यहाँ पे कुछ और स्कॉलरशिप है जो अच्छे से दिखा रखी है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो कि आपको कुछ इस तरीके की
की स्कॉलरशिप इस कॉलेज में देखने को मिल जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, चलते हैं अब थोड़ा सा प्लेसमेंट की तरफ, और प्लेसमेंट के बारे में अच्छे से बात कर रहे होंगे कि कॉलेज का जो प्लेसमेंट है वो किस तरीके का है। तो मुझे कॉलेज का प्लेसमेंट देखने को जब मिला तो मैंने इसका ब्रोशर जब खोला तो इसके ब्रोशर में मुझे ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। प्लेसमेंट के ब्रोशर में आपको क्या देखने को मिलता है, कॉलेज की जर्नी कब से शब तक शुरू हुई है, अभी तक क्या इनकी है कंडीशन, सारी चीजें दिखा रखी है। अगर बात करें यहाँ पे ग्लोबल लिंकेज की तो यहाँ पे दिखा रखा है कि इनके लिंक कहाँ कहाँ पर है ग्लोबली, और यहाँ पे दिखा रखा है कि आपको इंजीनियरिंग के अंदर ये सारी ब्रांचेस देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हो और समझ सकते हो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिनेरियो है इनका। बीटेक के अंदर ये सारी ब्रांचेस मैंने आपको सबका बता दिया है, कुछ इस तरीके का सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे हम रिक्रूटर की बात करें यहाँ पे, तो आपको यामाहा, सुजुकी, हुआवी और यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती हैं, देख सकते हो आप। और यहाँ पे एडोबी, फिलिप्स, बॉश है, और आपकी अमेजोन है, एफएमसी है, और यहाँ पे आपकी फेडेक्स वगैरह भी आती है, मैंने देखा था। ओके, तो कुछ इस तरीके की कंपनीज यहाँ पे आ रही होती हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके का एक कॉलेज देखने को लग रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे पैकेज की, तो भाई कॉलेज के अंदर जो ऑफिशियल साइड है इसमें कोई भी पैकेज इनका मेंशन नहीं किया गया है। मैंने अच्छे से देखा, मेरे को कहीं भी इनका पैकेज मेंशन नहीं दिखा कि इनका जो हाईएस्ट पैकेज है वो क्या है, एवरेज पैकेज है वो क्या है, मिनिमम पैकेज है वो क्या है। क्योंकि इस कॉलेज का जो सिनेरियो है यार, मेरे को बहुत ही खराब लगा इस चीज को देख के कि मतलब आप सारी चीजें दिखा रहे हो फीस के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में, पर आप प्लेसमेंट के बारे में नहीं दिखा रहे हो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे उसी से थोड़ा सा इंप्रेसिव होते हैं किसी कॉलेज से, क्योंकि वहां पे एडमिशन लेने के लिए वो सबसे पहले प्लेसमेंट और स्कॉलरशिप देखते हैं। क्योंकि आपने स्कॉलरशिप दिखा दी है तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने प्लेसमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया, उसके बारे में बहुत गलत चीजें आपको मेंशन करना चाहिए। तो हम चलते हैं इनकी इनके कॉलेज के बारे में और कहीं देखते हैं, उसके बारे में आपको प्लेसमेंट के बारे में बताते हैं। तो हमने यहाँ पे एक साइड निकाली जिसपे अच्छे से प्लेसमेंट के बारे में दिखा रखा है। अगर बात करें यहाँ पे आपको CUTM भुवनेश्वर प्लेसमेंट स्टेट्स यहाँ पे दिखा रखा है, अंडर ग्रेजुएशन 3 ईयर कोर्स, इसका जो यहाँ पे दिखा रखा है कि 22 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं 2017 और 18 में, और 18 और 19 यहाँ पे 19 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। 1.45 LPA 2 LPA का पैकेज है। अगर बीटेक प्लेसमेंट की बात करें यहाँ पे, तो 645 बच्चे प्लेस्ड हुए थे 17-18 में, 18 और 19 में यहाँ पे 604 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। पैकेज जो यहाँ पे देखने को मिलता है वो आपका 3 LPA 3.10 LPA देखने को मिल रहा था तब, और उसके बाद यहाँ पे 3.76 LPA देखने को मिल रहा था। बीटेक प्लेसमेंट की और बात करें यहाँ पे कैंपस की, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का पैकेज देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरीके का पैकेज देखने को मिल जाता है। अगर बात करें यहाँ पे दिखा रखा है आपका एग्रीकल्चर वगैरह के बारे में, ये पैकेज आपको देखने को मिलता है। 2 ईयर मैनेजमेंट कोर्स की बात करें आपको यहाँ पे ये पैकेज देखने को मिलता है। जो टॉप रिक्रूटर्स है वो कुछ इस तरीके के हैं, यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं आपको। तो जो कॉलेज का प्लेसमेंट है मैंने सर्च किया, चेक कर लिया, 8-10 लाख का यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज है, और यहाँ पे जो एवरेज पैकेज है वो 4 LPA 4.5 LPA के अराउंड जा रहा होता है, और जो मिनिमम पैकेज है कॉलेज का वो 3 LPA के पास में जा रहा होता है। तो इस कॉलेज का जो प्लेसमेंट का सिनेरियो है वो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, पर्सनली अच्छा नहीं लगा। इतनी फीस आप बच्चों से ले रहे हो, तो अगर आप उनको अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पा रहे हो तो आपका फीस लेना जायज नहीं है। ये बात बहुत ज्यादा गलत है। मैं आपको कॉलेज वालों को बोलना चाहूंगा, अगर ये वीडियो उन तक पहुंचे, कि आप अगर रिक्रूटर लेके आ रहे हो तो अच्छे पैकेज बच्चों को प्रोवाइड करवाओ, क्योंकि बहुत बच्चे टैलेंटेड होते हैं, अगर वो ऑन कैंपस ना चाहते हैं तो उनको कैंपस के ही अंदर कुछ अच्छा पैकेज देने की कोशिश करवाओ। ये कॉलेज वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसी अपॉर्चुनिटीज आपको दे रहे हैं। तो ओवरऑल आपको वीडियो कैसा लगा आप बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। कुछ आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन बार बार क्लिक करे जा रहा है तो आप बेफिक्र होकर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा एज सून एज पॉसिबल। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।